हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 43 से लेकर 48 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 23 जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। अब तक हमने पढ़ा कि देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हो गया। दीर्घ समय के उपरांत कर्दम मुनि को यह एहसास हुआ कि उसे अपनी पत्नी को आनंद प्रदान करना चाहिए, और उसने अपनी योग शक्ति के बल से अत्यंत ही सुंदर विमान प्रकट किया, और देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने के उपरांत अत्यंत ही सुंदर किशोर अवस्था में आ गई। और उसके उपरांत देवहूति और कर्दम मुनि अनेक अनेक दास दासियों के साथ उस विमान में बैठकर अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उनको जाने की रिस्ट्रिक्शंस हो बगैर वीजा के। जिस तरह से वायु हर जगह पर जाती है, वो उस विमान में बैठकर अत्यंत ही सुंदर सुंदर स्थानों में जहाँ पर देवता अपनी पत्नियों के साथ भी नहीं जा सकते, वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों पर जैसे वैशंभक, सुरसन, नंदन, पुष्प भद्रक और चैत्ररथ में और मानसरोवर के तट पर वो विहार करने लगे। और इस तरह से उनको ये सब भोग जो कि कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, जो कि स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं होते, वो सारे भोग उनको
भगवान की भक्ति के कारण प्राप्त हुए। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई जीव भगवान की भक्ति करता है तो वो किसी भी वस्तु से वंचित नहीं रहता है। भगवान की भक्ति से जीव को प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो सकती है। ये भौतिक भोग तो कुछ भी नहीं है, इनकी यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इनकी इच्छा तो स्वतः हृदय से समाप्त हो जाती है, लेकिन उसको आध्यात्मिक आनंद तक भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो आज हम श्लोक नंबर 43 पढ़ेंगे। भगवान के इन अत्यंत सुंदर शब्दों को श्रवण कीजिए। यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं कि अनेक अनेक स्थानों में घूमने के बाद, ऐसी आश्चर्यजनक स्थानों को देखने के उपरांत, अब कर्दम मुनि अपनी पत्नी को दोबारा आश्रम में लेकर आ रहे हैं, आश्रम की ओर वापस लौट रहे हैं। वे कहते हैं, प्रेक्षयित्वा भूगोलम् पत्न्यावान् स्वसंस्थया बहवाश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। प्रेक्षयित्वा भूगोलम्, प्रेक्षयित्वा मतलब उसने दिखाया, घुमाया कहाँ कहाँ, भ्रुव गोलम यानी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जहाँ जहाँ अच्छी जगह थी दिखाने की, जो जो सुंदर सुंदर स्थान थे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये सब तो कुछ भी नहीं है, वो तो स्वर्ग के अलग अलग वनों में, अलग अलग पुष्प जो गार्डन्स हैं उनमें, वहाँ पर जाकर उसने बहुत पत्नी, अपनी पत्नी को यावन जितना भी स्वस्थया अपनी रचना सहित उसको बहुत बहुत घुमाया। और बहवाश्चर्य महायोगी, बहवाश्चर्य बहुत बहुत आश्चर्यजनक जगहें थी जिनको देखकर देवहूति तो चकित रह जाती थी। उस और उन सारी स्थानों को भ्रमण करने के उपरांत स्वाश्रमाय न्यवर्तया, स्व आश्रमाय यानी अपने आश्रम की ओर वापस लौटे। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि कोई मनुष्य चाहे किधर भी चला जाए संसार में घूमने के लिए, वहां पर उसको आनंद आने वाला नहीं है। आखिर तो एक दिन उसे अपने घर की याद पुनः आएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो कितनी सुंदर सुंदर स्थानों में ये लोग घूम रहे हैं, और उनका अपना जो विमान है ऐसा भी नहीं है जैसे हम लोग किधर जाते हैं ना, तो वहां पर कभी बेडरूम या कभी बेड या फिर कभी वो एरिया जहाँ पर हम स्टे करते हैं वो हमको सूट, लेकिन ये इनके लिए तो ऐसा नहीं था। उनका तो अपना विमान था और उस विमान के अंदर सब सुविधाएं थी, बहुत सारे बेडरूम्स थे। हमने पढ़ा जैसे कि किस तरह से उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, हर तरह की आनंद की उसके अंदर सामग्री थी। लेकिन फिर भी जो घर होता है उसके साथ अपना एक अलग अटैचमेंट होता है, इसलिए आज कर्दम मुनि पुनः अपने आश्रम में आ रहे हैं। अनुवाद देखिए, अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम अपने आश्रम को लौट आए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर सभी लोगों को गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक यानी ग्रह गोला होता है, और वैसे ही विश्राम स्थल है जिस प्रकार सागर के भीतर द्वीप होता है, लोगों को कभी कभी द्वीप या वर्ष भी कहते हैं। यह पृथ्वी लोक भारतवर्ष कहलाता है क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक में प्रत्युक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बहवाश्चर्यम अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न लोक ब्रह्मांड भर में आठों दिशाओं में फैले हुए हैं
और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमयी है। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं, और हर एक में सभी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि ऋतुओं की सुंदरता भी है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, विभूति भिन्नम, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोक दूसरे के जैसा ही हो। भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक लोक की रचना विभिन्न प्रकार से हुई है और इसका आश्चर्यजनक ढांचा भी भिन्न है। कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, किंतु तो भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग की सिद्धि है। मात्र कतिपय आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता, और ना ही ऐसे आसनों के प्रदर्शन एवं तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है। मूर्ख लोग विश्वास करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के भीतर ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वस्तुतः योगी पूर्ण योगी ही ऐसा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और कर्दम मुनि जैसे आश्चर्यजनक करामतें दिखलावे, तो भी उसकी तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अकल्पनीय शक्ति को कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति होने पर भी वे भगवान के भक्त बने रहे। प्रत्येक जीव आत्मा की असली स्थिति यही है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं कि भले ही योग शक्ति से जीव के अंदर कुछ पावर्स आ जाते हैं, जिस तरह से कर्दम ऋषि प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक आश्चर्यजनक स्थान में वो जा सकते थे, वहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ आनंद का भोग कर सकते थे, और यहाँ पर वो कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति को दिखा रहे हैं कि भले ही मैं एक झोंपड़ी में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई आनंद करने की वस्तु या स्थान है नहीं, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, किसी भी प्रकार से आनंद कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ दिखा रहे हैं कि फिर भी वो इन सारी वस्तुओं को छोड़कर पुनः अपने आश्रम में आते, यानी कि भक्त को इन सारी लग्जरियस लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता है। भक्त को तो आनंद तब आता है जब वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है। भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध है उसके लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो एकांत की आवश्यकता है, उसके लिए तो साधना की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि योग का मतलब होता है योग शक्ति के द्वारा जीव कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राप्त करने के बाद वो भगवान बन जाएगा, लेकिन वो चाहे कुछ भी प्राप्त कर दे, भगवान की स्थिति अलग होती है। जीव की स्थिति बस इतनी है कि वो भगवान का दास है। जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वे कहते हैं, विभज्य नवधात्मानं
मानवीं सुरतोत्सुकां रामानिरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् विभज्य नवधात्मानं। विभज्य मतलब विभक्त किया, नवधामन नौ रूपों में, आत्मानम यानी स्वयं को। कर्दम मुनि ने अपने आप को नौ रूपों में प्रकट किया, मतलब नौ नवधात्मानम अपने आप को नौ रूपों में प्रकट किया। मानवीम सुरतोत्सकम, मानवीम अर्थात मनु की पुत्री जो देवहूति है, सुरत संभोग के लिए उत्सुकम अत्यंत इच्छुक, क्योंकि देवहूति बहुत तरसी थी संभोग सुख के लिए, तो उसकी बहुत इच्छा थी अपने पति के साथ काम सुख की। तो फिर उसने, कर्दम मुनि ने अपने आप को नौ रूपों में विभक्त किया उसको, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि सुरतोत्सुकम। और आगे कहते हैं रामम निरमय नेत्रेमे, रामम यानी अपनी पत्नी को निरमय आनंद प्रदान करते हुए रेमे यानी सुख भोगो, कितना समय तक, वर्ष पूगान मतलब अनेक वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक वो अपनी पत्नी को निरमयम आनंद प्रदान करते रहे। और इतने सारे अनेक वर्ष पूगान किस तरह से बीत गए, महूर्तवत मतलब एक क्षण के समान ये सारे सैकड़ों वर्ष बीत गए। वो आनंद कर रहे हैं और अपनी पत्नी को सुख प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, सैकड़ों वर्ष तक आनंद किया। लेकिन ये एक बहुत ही अटल सत्य है कि जब जीव संसार में भोग करता है उसकी पूरी, उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। हर कोई यही सोचता है कि मैं अभी तो मैं चालू ही किया नहीं था, अभी तो आनंद आना शुरू ही नहीं किया कि मरने का समय आ गया। हर किसी का दिल करता है कुछ और समय मिलता मुझे, अभी तक तो वो आनंद आया नहीं, मेरी जवानी समाप्त हो गई, अभी भोगों से कभी तृप्ति होती नहीं है। अब हम सोच सकते हैं ये जो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है ना, ये इसलिए नहीं बताया गया है कि किस तरह से वो काम इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बावजूद भी नौ रूपों में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है, और इतना सुंदर वैभव होने के बावजूद कोई प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनके शरीर इतने स्वस्थ हैं और इतना उनको काम मतलब भोग कर संभोग करने का इतना सुलभ शरीर प्राप्त है, वस्तुएं प्राप्त हैं, उसके उपरांत भी जब उनको आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है, और समय कैसे बीत गया, मुहूर्तवत, ऐसा लगा ही नहीं कि आनंद आया है, तृप्ति तो बहुत दूर होती है। वास्तव में भोगों से कभी भी तृप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस भौतिक जगत के सारे भोग, स्वर्ग लोक के भी भोग, आत्मा के आनंद के लिए है ही नहीं, बल्कि ये तो और भी दुख प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए कहा यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बोधा। ये जो शरीर से स्पर्श से जो सुख की इच्छा है वो तो दुख प्रदान करने वाली है। जैसे जैसे हम भोग करेंगे, भोग करने का प्रयास करेंगे, वो हमारे दुख होगा, उससे कभी आनंद नहीं आएगा। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि रेगिस्तान की तपती हुई धूप है और उस धूप में बहुत गर्म है वो धूप, और उसको कोई ठंडा करना चाहता है, उसको कोई आनंद देना चाहता है, और उस धूप को एक बूंद यदि कोई है ना उधर गिरा दे कि मैं इस धूप को आनंदित करना चाहता हूँ, ये जो रेगिस्तान की तपती हुई रेत है उसको आनंदित कर,
वो एक बूंद उस रेगिस्तान में गिरकर कहां खो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। उसको यदि ठंडा करना है तो वो जो मेघ है वो जो झर झर के बरसने लगेंगे तब तो जाकर आनंदित होगा, तब तो जाके वो रेगिस्तान ठंडा होगा। कोई प्यास से मर रहा है और उसको एक बूंद यदि पानी की पिलाई जाए तो क्या उसको आनंद आएगा? नहीं। तो ये सारे संसार के जो सुख हैं उसमें सुख है ही नहीं आत्मा के लिए, वो बस दिख रहा है कि इसमें आनंद है लेकिन तृप्ति तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसे है कि हम समझते हैं कि ये प्राप्त करके सुख मिलेगा, लेकिन वो भी हमें कैसे है। एक सुंदर एग्जाम्पल उदाहरण आता है शास्त्रों में कि जो पतंगा होता है वो जब आग को देखता है ना तो उसका दिल करता है बस मैं इससे लिपट जाऊं, ये आग मुझे आनंदित प्रदान करेगी, वो आग मुझे आनंदित करेगी, मुझे संतुष्ट करेगी। तो उड़ के बहुत ही तीव्रता से उस अग्नि की ओर बढ़ता है और झुलस के मर जाता है। उसमें सुख था नहीं, सुख उस आग में था नहीं, बस वो सोच रहा था सुख मिलेगा। वैसे ही मैटेरियल वर्ल्ड जो है उसमें जीव आत्मा के लिए सुख है ही नहीं, क्योंकि जीव आत्मा स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल आत्मा को स्पिरिचुअल आनंद ही प्राप्त आनंद ही आनंदित कर सकता है। और स्पिरिचुअल जो आनंद है वो तो केवल भगवान के साथ प्रेम करने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में आएगा। भौतिक वस्तुओं या भौतिक किसी भी एक्टिविटी से जीव आत्मा आनंदित नहीं हो सकती। वो करने का प्रयास करेगी शायद हो जाए, शायद मुझे आनंद आ जाए, शायद आनंद आ जाए, और समय कैसे बीत जाएगा? मुहूर्तवत, एक मुहूर्त की तरह जीवन समाप्त हो जाएगी, मगर आनंदित कभी नहीं होगा जीव। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विभिज्य नवधात्मान मानि विम सुरतोत्सखाम रामानिरमये मयन्रे मे वर्षपूकान मुहूर्तवत। अर्थात अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्ग लोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दम मुनि ने उसकी कामेच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की काम क्षुधा पुरुष की उपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है, इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता ना थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, किंतु इससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सोभरी मुनि का है जिन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो वह 8 या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा कि
ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। वास्तव में यही मुख्य बात है जो कि हमें इन कथाओं से सीखनी चाहिए। मैत्रेय मुनि पूरे 3 श्लोकों में ये बात बता रहे हैं कि कितना ही आनंद किया जाए इस भौतिक जगत में, लेकिन पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है, आनंद की लालसा कभी समाप्ति नहीं होती। अभी श्लोक नंबर 44 में क्या बताया, वर्ष पोगा मुहूर्तवत, इसी बात को आगे कहते हैं, तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरी श्रुता न चाबुध्यत तम कालम पत्यापि चेन संगता। तस्मिन् विमान उत्कृष्टा, तस्मिन् मतलब उस तरह से विमान में उत्कृष्टा सर्वश्रेष्ठ, उस विमान के अंदर बहुत ही सुंदर शय्याम रति करीम श्रुतम, शय्याम यानी बेडरूम्स थे बहुत सुंदर सुंदर रति करीम जो के काम इच्छा को बढ़ाने वाले थे, और श्रुता उसमें स्थित हुए थे कर्दम मुनि और देवहूति। न च अबुद्ध्यतः तम कालम, लेकिन न च अबुद्ध्यतम, उसको पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, और 1-2 वर्ष तक नहीं सैकड़ों वर्षों तक उन शय्याओं पर उन्होंने आनंद किया, लेकिन न च अबुद्ध्यतः तम कालम पत्यापि चेन संगीता, पत्या अपने पति के साथ अपिशेन अत्यंत मनोहर संगता संगति में या साथ में अपने पति के साथ में बहुत बहुत भोग किया, बहुत बहुत सुविधाएं थी, बहुत बहुत स्वस्थ शरीर था, भोग दे देकर सेटिस्फाई करने का प्रयास किया। लेकिन बहुत ही मुख्य बात है कि जितना भी भोग देते जाएं ये शरीर की लालसा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। इतने सफल दंपति हैं, हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की सुविधा, यहाँ पर भी क्या बताया, शय्याम रति करी श्रुताम उत्कृष्टाम, वो विमान कैसा था, हर प्रकार की सुविधाएं, ना शरीर में कोई रोग है, ना वस्तुओं की कोई कमी है, ना ही कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला है, कोई भी बीच में बाधा नहीं है उनके आनंद को कम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक संभोग करने के बाद एक बार भी कर्दम मुनि का वीर्य स्खलित नहीं हुआ। ये भी उनकी योग शक्ति है कि काम इच्छा सदैव बरकरार रही, लेकिन फिर भी इस समय कैसे बीत गया उनको पता ही नहीं चला। अनुवाद देखिए, उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं काम इच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थिर रहकर जान भी ना पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा था। वो कंटिन्यूस आनंद लेने का प्रयास आनंद ले रहे थे, लेकिन समय समाप्त हो रहा था। और कितना समय हो गया, वे कहते हैं, एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो शतम व्यतीयुः शरदः कामलालसयो योर्मनाक। एवं योगानुभावेन, एवं इस प्रकार आनंद लेने के लिए योगानुभावेन योग शक्ति से, दंपत्य यानी पति पत्नी का जो सुख है, रममाणयो यानी स्वयं आनंद भोग रहे थे। और कितना समय हुआ, शत
शत व्यति युहु शरद, शत यानी 100, व्यति यानी बीत गए, शरद शरद ऋतु यानी कि 100 साल बीत गए, एक साल में एक बार शरद ऋतु आती ना, इसे बोलते हैं 100 वर्ष बीत गए और उसके बाद भी काम लाल सयोर मनाक, काम लालसा, काम यानी रति सुखी, लालसयो ललायित थे, मनाक अल्प समय के समान, उनको ऐसा लगा अभी तो कुछ सुख लिया ही नहीं है, 100 वर्षों तक संभोग कर रहे थे, नौ नौ रूपों में उनको आनंद देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी संभोग की जो लालसा है, काम लालस लालस योर मनाक, ऐसा लग रहा था कि अभी तक वो संतुष्टि आई नहीं जो चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि ये भौतिक जगत आनंद प्राप्त करने की जगह है ही नहीं, शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करना संभव ही नहीं है। जितना जितना जीव रति सुख कामिच्छा सुख संभोग करने के लिए सोचता है कि मुझे आनंद आएगा, वो सोच ही होती है बस, उसके अंदर आनंद होता ही नहीं। वरना तो इनको आनंद आना चाहिए था ना, वरना तो हमको देखना चाहिए था, देवहूति है उसको कर्दम मुनि नौ प्रकार से रूपों में विभाजित होकर आनंद प्रदान करने का भरपूर प्रयास करते हैं। उनका स्वस्थ शरीर है, इतनी सफल दंपत्ति है, उनका पूरा सुख की सामग्री है, उनका शरीर इतना शक्तिशाली है कि फिर भी वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। अनुवाद देखिए, रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्ति के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गया, समाप्त हो गया, उनको पता ही नहीं चला, ना ही आनंद आया ना ही संतुष्टि। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्यामादत्तरे तस्ताम भावयन्नात्मनात्मभेद नोधा विधाय रूपम स्वम सर्वसंकल्पवद्विभू। तस्यामादत्त रेतस्यम, तस्य उस समय आदत्त स्थापित किया रेत वीर्य, ताम यानी उसको भावयन्नात्मनात्मभेद, भावन यानी मानते हुए आत्मना अपनी अर्धांगिनी के रूप में, आत्मविद यानी अपनी आत्मा के, नोदा विदाय रूपम सम, नोदा यानी नौ रूपों में, विधाय विभक्त करके, रूपम यानी शरीर, स्वम यानी अपने, सर्व संकल्प विद, सर्व संकल्प यानी समस्त काम इच्छाओं के ज्ञाता, विभु अत्यंत शक्तिशाली कर्दम। यहाँ पर बता रहे मैत्रेय मुनि के कर्दम ऋषि क्या थे, विभु थे, अत्यंत ही शक्तिशाली थे और सर्व संकल्पवित यानी हर किसी के मन की बात जानते थे, और वो जानते थे कि मेरी पत्नी की इच्छा क्या है, मेरी पत्नी की इच्छा है कि मुझसे संतान उत्पन्न करे, वो माता बनना चाहती है, इसलिए उसने क्या किया, नवधा विधाय रूपम सम, अपने आप को नौ रूपों में विभक्त किया और एक ही समय नौ बार अपनी पत्नी के साथ संभोग करके उसके गर्भ में वीर्यपात किया एक ही दिन। वो बहुत सैकड़ों वर्षों तक तो भोग करते रहे, फिर बाद में क्या हुआ, तस्मा दत्त रेतस्ताम, फिर उसने क्या किया कि बहुत समय के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद उसने सोचा कि अब तो मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो संतान उत्पन्न करे, इसलिए भावयन यात्मन आत्मविद, कि वो जानते थे कि क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, और पत्नी पति का ये कर्तव्य है कि पत्नी की इच्छा को पूरा करे, उसकी संतान उत्पत्ति की इच्छा है, तो उसने नौ रूपों में नौ बार अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित किया। अनुवाद देखिए, शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे।
आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतान चाहती है, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। तो जैसे ही एक ही दिन में 9 बार 9 अलग अलग रूपों में उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित किया, उसी दिन उनको 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं है कि वो 9 महीने तक गर्भ धारण करेंगी, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होगी और वो संतान भी बिल्कुल छोटी सी होगी, उसको बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, वो 9 कन्याएं, 9 कन्याओं का जन्म और 9 की 9 कन्याएं जो थी वो किशोर अवस्था में थी, वो मतलब सुंदर थी, अत्यंत थी। आगे वाले श्लोक में बताया जाता है, मैत्रेय मुनि कहते हैं, अतः सा सुषुवे सध्यो देवहूति स्त्रीह प्रजा सर्वस्ताश्चार्यो सर्वस्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत् पलगंधया। अतः सा सुषुवे सध्यो, अतः यानी तब, सा उसने यानी देवहूतो ने, सुषुवे सुषुवे मतलब जन्म दिया, सद्य एक ही दिन, उसी दिन जिस दिन गर्भधान हुआ था उसी दिन देवहूति ने एक ही दिन में 9 कन्याओं को जन्म दिया। देवहूति स्त्रियः प्रजा, देवती ने कन्याओं को जन्म दिया और वो कैसी थी, सर्वता सर्वा यानी सभी की सभी, ता चारु सर्व अंगे, चारु मतलब बहुत ही, उनके अंग बहुत सुंदर थे, उनके नेत्र, उनके होंठ, उनके शरीर की सुंदरता बहुत ज्यादा थी। चारु सर्व अंगयः और लोहित, लोहित मतलब लाल लाल उनके गाल थे, और उत्पल गंधया, उत्पल कहते हैं कमल के फूल को, उनके शरीर से कमल के सुगंध आ रही थी। यानी 100 बार के समय के बाद जब एक दिन उसने देखा कि मेरी पत्नी को संतान उत्पन्न करने की इच्छा है, तो वो सब कर सकते थे, उसके अंदर योग शक्ति थी, तो उस योग शक्ति के बल के द्वारा उसने अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित किया और उसी दिन उसी समय, सद्यो लिखा हुआ ना, सता सुषुवे सद्यो, यानी उसी दिन उसने 9 कन्याओं का जन्म को जन्म दिया। और ये जो कन्याएं थी वो भी बहुत ही महान कन्याएं, इनकी एक कन्या थी अनुसुईया, अनुसुईया जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ था, तो अनुसुईया के घर में साक्षात त्रिगुण रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे। एक बार वो कह रहे थे कि जो संसार के रचयिता हैं वो मेरा मतलब वो मैं चाहती हूँ वो मेरे गर्भ से जन्म लें, जो संसार का प्रलय करते हैं, जो संसार को पालन करते हैं। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए थे और बोला ब्रह्मा जी ने कि मैं तो संसार का पालन करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, और विष्णु जी ने बोला कि मैं संसार का पालन करता हूँ, और रुद्र ने कहा, महेश जी ने कहा कि मैं संसार का प्रलय करता हूँ। तो बोला मुझे तीनों पुत्र के रूप में चाहिए, तो विष्णु के कृपा से उनको दत्तात्रेय, उनके यहाँ पर दत्तात्रेय का जन्म हुआ, महेश की कृपा से उनके घर में दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी की कृपा से उनके घर में चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, और इनकी एक पत्नी थी, सॉरी इनकी एक पुत्री थी अरुंधति, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ था। तो इनकी बहुत आगे इनके पुत्रियों का भी ना वर्णन बहुत सुंदर तरीके से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अनुवाद देखिए, उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे, उनसे लाल कमल की सी
सुगंध निकल रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति अत्यंत कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और नौ कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत नौ कन्याओं को जन्म दिया, किंतु सभी कन्याएं अतीव सुंदर थीं और उनके शरीर सुगंधित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित थी। श्रील प्रभुपाद की जय। और कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति के द्वारा इतना काम क्रीड़ा और अपनी पत्नी को इतना सुख देने के उपरांत भी उनका मन तो भगवान में ही रमा हुआ था। उनके अंदर काम इच्छा नहीं थी, जैसे हमने पहले भी बताया कि वो केवल अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब, वरना तो उनके अंदर पहले से इतनी सारी योग शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी साधना के अतिरिक्त और कुछ सोचा ही नहीं। तो आज जब उन्होंने देखा कि बहुत समय बीत गया है, मैंने अपनी पत्नी को सुख देने का पूरा प्रयास किया, अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे इन भोगों से क्या काम, मुझे तो पुनः अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो कर्दम मुनि ने सोचा कि अब मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। और जैसे ही कर्दम मुनि ने ये विचार किया, तब देवहूति उनके चरणों में लग गई और चरणों में गिड़गिड़ा कर उनसे प्रार्थना करने लगी। अब भोगों की लालसा बिल्कुल खत्म हो गई, अब उनकी भक्ति की लालसा मन में भर गई। अब उनको लग रहा था कि बस मेरे पति मुझे छोड़ के मत जाएं। वो पुनः याद कर रही थी कि अब तो भगवान के आने का समय है। तो बहुत ही सुंदर विनय करती हैं देवहूति कर्दम मुनि से, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे लिए एक बार प्रार्थना अवश्य किया कीजिए कि मैं अपनी सेवा को कंटिन्यू कर सकूं और अपनी साधना अच्छे से कर सकूं। तो अभी हमने श्लोक नंबर 48 तक पढ़ा है, कल हम 49 से प्रारंभ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।